अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताहिरा, आपकी होस्ट द वॉच के साथ। आज हम सवाल करेंगे लोगों से कि अगर आपका पार्टनर आपसे बेवफाई करे तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा। तो आइए करते हैं सवाल। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम दानियाल। दानियाल, आपसे मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि अगर आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर आपसे बेवफाई करेगी तो उसका फर्स्ट रिएक्शन क्या देंगे आप? यार मेरा फर्स्ट रिएक्शन तो वैसे वो मेरे पास तुम हो वाले हमायों सही जैसा होगा, और बुरा तो लगता है, सबको लगता है। अगर आप वफादार हो और आपका पार्टनर बेवफाई कर जाए तो मुझे मेरा दिल टूटेगा। तो रिएक्शन क्या होगा, क्या करेंगे आप? उसका सर फाड़ देंगे, क्या करेंगे? नहीं, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। देखिए, बेवफाई उसने की है तो वही भुगतेगा, जो पार्टनर होता है वही भुगतेगा। अगर मैं करूँगा तो मैं भुगतूंगा, तो मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, मैं उसे दुआएं दे के रुखसत कर दूँ। तो आपसे किसी ने बेवफाई की है या आपने किसी से बेवफाई की है? नहीं नहीं, मेरा ऐसा वैसे कोई पास एक्सपीरियंस नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? काशिफ हाशमी। काशिफ, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि अगर आपका पार्टनर आपसे बेवफाई करे तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? माफ़ कर दूंगा उसको। माफ़ करके क्या करेंगे, मतलब बस छोड़ देंगे या क्या? साथ रहेंगे, माफ़ कर देंगे। तो अगर आपकी बीवी ने आपके साथ बेवफाई की हो तो फिर भी यही होगा, माफ़ कर देंगे और क्या। और अगर वो आपके साथ रहना ही ना चाहती हो, मतलब आप तो कह रहे हैं कि आप माफ़ करके साथ रहेंगे, तो आपके साथ रहना ही ना चाहती हो, आपको छोड़ना चाहती हो? फिर तो ये डिसाइड कर लेंगे ना क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब आप बहुत ही तहम्मुल वाले बंदे हैं, आप कहेंगे अच्छा तुमने जाना है तो बहन जाओ। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अदनान गुजार। अदनान, अगर आपकी पार्टनर आपके साथ बेवफाई करे तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? मेरा रिएक्शन यही होगा, मैं उसको माफ़ कर दूँगा। यही ये आप शक्ल से तो नहीं लग रहे, बड़ी बड़ी मूछें। तो कोई ऐसा काम हो तो फिर उसको पूछूंगा ना, अगर कोई गलत काम होगा तो फिर उसको डांटूंगा। तो मतलब अगर बेवफाई करिए, बेवफाई तो है ही गलत काम, तो आप क्या करेंगे? बेवफाई अगर कोई होगा या बीवी होगी तो फिर उसको छोड़ दूंगा। यही है, बीवी होगी तो छोड़ दूंगा, अगर गर्लफ्रेंड होगी तो उसको भी छोड़ दूंगा। उसको भी छोड़ देंगे, सारे लोग छोड़ देंगे बेवफाई ना करना। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम सुलेमान शहबाज। सुलेमान, अगर आपकी पार्टनर आपसे बेवफाई करे तो आप क्या करेंगे? मैं उसके लिए क्या करूँगा, उसको अल्लाह के राह पर उसको माफ़ कर दूंगा, यही कर सकता हूँ। ये आपके पास से ये ऑप्शन ही ख़त्म हो गया कि आप माफ़ कर देंगे, ये ऑप्शन नहीं है आपके पास, अब आप क्या करेंगे? मैं क्या करूँगा, मैं फिर उसके अपना बदलाव से पूरा करूँगा। क्या बदलाव पूरा करेंगे? जिस तरह उसने मेरे साथ ब्रेकअप किया, मैं भी इस तरह उसके साथ किसी अपने फ्रेंड। बीवी है ना, बीवी है तो बीवी के साथ क्या ब्रेकअप तो होता ही नहीं है, बीवी मियाँ बीवी के रिश्ते में तो ब्रेकअप नहीं होता। तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए। मतलब आप कुछ नहीं करेंगे, आपने उसको किसी और मर्द के साथ देखा है ऑन द स्पॉट, आप क्या करेंगे एकदम से, आप क्या चले जाएंगे? नहीं नहीं, मैं उससे बातचीत करूँगा, क्या तुमने, मैंने तुम्हारे पर ये बिलीव किया तो तुमने क्या किया मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम सलमान। सलमान, अगर आपकी पार्टनर आपसे बेवफाई करे तो आप क्या करेंगे? मैं क्या करूँगा, मैं उसको छोड़ दूँगा। छोड़ देंगे, उसको कुछ कहेंगे नहीं, ऑन द स्पॉट क्या करेंगे? ऑन द स्पॉट मैं क्या करूँगा, ऑन द स्पॉट तो कुछ भी नहीं करूँगा। कुछ भी नहीं करेंगे? कुछ भी नहीं करूँगा, मतलब कुछ भी नहीं कहेंगे, उससे बात भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट छोड़ देंगे। करूँगा, उसकी अपनी लाइफ है, हमारी अपनी लाइफ है, जो मर्जी करे ठीक है। ये बहुत चिल बंदे हैं, किसी ने इनसे कॉन्टेक्ट करना हो प्लीज़ कर लें। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम औरंगज़ेब है। औरंगज़ेब, अगर आपकी पार्टनर आपसे बेवफाई करे तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? मेरे ख्याल में बात यहाँ तक आएगी ही नहीं कि बेवफाई तक पहुँचें, हालदो अगर वहाँ तक पहुँचेंगे तो माफ़ी कर दिया जाएगा। माफ़ करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपने अब कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करना है। चलिए, कौन से ऑप्शन हैं आप बता दें। आपने माफ़ नहीं करना, उसके अलावा आपने ये जैसे अब मर्द आजकल कहते हैं कि माफ़ कर देंगे, वो करते नहीं है हकीकतन, जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ है नहीं करते माफ़ हमारे कल्चर में, तो मुझे तो लगता है ये सफ़ेद झूठ है, तो आप क्या करेंगे? मेरे ख्याल में आपकी रिसर्च अच्छी नहीं, रिसर्च वर्क आपको करना चाहिए, उसके बाद आप जो कह रही हैं कि हमारे कल्चरल वैल्यूज़, कल्चरल में तो ऐसा होता भी नहीं है जो आप कह रही हैं। नहीं, हमारे कल्चर में जो होता है वो गलत या सही भी हो सकता है, हमारे कल्चर में गलत होता है कि माफ़ नहीं करते, लेकिन नहीं करते। मेरे ख्याल में तो कर देते हैं, और थोड़ा स्पेस भी आ जाता है, और हम उसके बाद सेपरेट भी हो जाते हैं। सब माफ़ कर देंगे, इसका मतलब बेवफाई की जा सकती है।
तो ये थे आज के जवाब, जिसके अंदर हमें पता चला कि ज़्यादातर मर्द जो है वो माफ़ कर देंगे, लेकिन मेरा जहाँ तक के जानना है, मानना है, लोग माफ़ नहीं करते हैं। तो इसलिए बेवफाई से गुरेज कीजिएगा। शुक्रिया, हमें देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।